नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना में नाव हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। बिहार के रेलवे स्टेशनों की होगी कायापलट और बिहारवासी जल्द ही बुलेट ट्रेन की रफ्तार का करेंगे अनुभव। पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से लिया संन्यास। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में नाव हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। पटना में दानापुर के नासरीगंज घाट पर बीते दिन नाव पर चढ़ने के दौरान शिक्षक के गंगा में बहने के बाद शिक्षकों में आक्रोश है, क्योंकि घाट पर ना तो SDRF की टीम तैनात रहती है और ना ही नाव और लाइफ जैकेट्स के इंतजाम होते हैं। इस हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन घाटों से शिक्षक, स्कूल कर्मी और बच्चे स्कूल नदी पार करके जाते हैं, उन घाटों पर सरकारी नाव की व्यवस्था की जाए। नाव पर लाइफ जैकेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई जाए, इसकी व्यवस्था सभी जिलों के DM करें। इस मामले पर शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने पटना सहित तमाम DM को पत्र लिखा है। साथ ही शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों से कहा है कि अगर कुछ विशेष कारणों से शिक्षक विलंब से स्कूल पहुंचते हैं तो उनकी हाजिरी मान्य होगी। खुशखबरी, बिहार के रेलवे स्टेशनों की होगी कायापलट। बिहार की राजधानी पटना के दो प्रमुख रेलवे स्टेशनों को अब अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जाएगा। दानापुर रेल मंडल के द्वारा रेलवे बोर्ड को भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत दोनों स्टेशनों की पार्किंग एरिया, स्टेशन बिल्डिंग और अन्य यात्री सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इससे इन स्टेशनों की सूरत पूरी तरह बदल जाएगी और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएँ मिलेंगी। बता दें कि इससे पहले बिहार के 92 स्टेशनों को इस योजना के तहत विकसित करने की मंजूरी मिल चुकी है और दानापुर रेल मंडल सहित कई स्टेशनों पर काम भी शुरू हो चुका है। राज्य सरकार ने कॉलेजों में MBBS की 26 सीटें बढ़ाई, निजी कॉलेजों में 150 नई सीटें जोड़ी। इस साल बिहार में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में 1347 सीटों पर एडमिशन होगा। खास बात यह है कि इस बार MBBS में 26 नई सीटें जोड़ी गई हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में भी 150 सीटों का इजाफा हुआ है। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 85% सीटों पर एडमिशन 29 अगस्त से शुरू होगा। हालांकि सेकेंड राउंड की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसिलिंग 2024 के तहत स्टूडेंट को बिहार के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल, डेंटल, आयुष और वेटनरी कॉलेजों में एडमिशन मिल सकेगा। पिछले साल MBBS में 1206 और डेंटल में 115 सीटों पर एडमिशन हुआ था, लेकिन इस बार 1232 MBBS और 115 डेंटल सीटें उपलब्ध होंगी। निजी MBBS कॉलेजों में 2023 में 1050 सीटें थी, लेकिन इस बार 1200 सीटों पर एडमिशन होगा। स्टूडेंट्स अपनी च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर स्टूडेंट्स अपनी च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। बिहारवासी जल्द ही बुलेट ट्रेन की रफ्तार का करेंगे अनुभव। 350 किलोमीटर घंटा की स्पीड से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। मेट्रो के बाद अब बिहारवासी बुलेट ट्रेन पर भी सफर करने वाले हैं। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। बिहार के बक्सर, आरा, जहानाबाद, पटना और गया जिलों से होकर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। इन जिलों में हर एक का अपना स्टेशन होगा। पहले चरण में बक्सर, पटना और गया में स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में आरा और जहानाबाद में स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। जिन गाँव से बुलेट ट्रेन गुजरेगी उसमें पटना जिले के दानापुर अंचल के तारिगना, महुआ, बेदौल, इटवा, नागरबहटा, रामतरी, अमाहरा, जमानापुर, खड़गपुर, पतलू चिटनी, नोनाडी, उड़ीपुरा, धोबिया, कालापुर, खातुनचक, खासपुर, गुनावन, चारा, अजावा, रोनियन, कराई, रघुनाथपुर, बेलूरा, कोरा, पसीही, खड़गचक गांव शामिल है। वही फुलवारी शरीफ के कोरजी, बुसौला, दानापुर, नवादा, नौसा, हिंदुनी, कुरकुरी, चिलबिली, नसीरापुर, सिमरा, सुविता, महुली, कुरा, इन सभी गांव से ये बुलेट ट्रेन गुजरेगी। पटना में बनाए गए 3 नए जोन, 25 लाख लोगों को मिलेगी सहूलियत, कई थाने भी बटे।
राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत पटना जिले में 3 नए अंचल बना दिए गए हैं। इस निर्णय को लेकर गजट भी जारी कर दिया गया है। इन नए अंचलों में अंचलाधिकारी और अन्य कर्मचारियों की पदस्थापना की जाएगी। बता दें कि पटना जिले को 3 नए जोन में बांटा गया है। जोन बांटे जाने से यहाँ के 25 लाख लोगों को सहूलियत होगी। सभी अंचल के मौजा, हल्का और थाना क्षेत्र का विभाजित कर दिया गया है। पटना सिटी अंचल में अजीमाबाद हल्का की जगह किलेदारी अब असिस्तत्व में आया है। वही सदर अंचल में 10 थाने और 18 मौजे होंगे। पाटलिपुत्र अंचल में 6 थाने रखे गए, 3 हिस्सों अजीमाबाद हल्का में बटे हैं। वही दीदारगंज में 27 मौजा शामिल किए गए हैं। यूपीएससी ने 2025 के परीक्षा कार्यक्रम का संशोधित कैलेंडर किया जारी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने 2025 के परीक्षा कैलेंडर में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 25 मई 2025 को आयोजित की जाएगी। इसके लिए नोटिफिकेशन 22 जनवरी 2025 को जारी किया जाएगा और आवेदन प्रक्रिया 11 फरवरी 2025 तक जारी रहेगी। इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा 9 फरवरी 2025 को होगी और इसके लिए आवेदन 18 सितंबर से 8 अक्टूबर 2024 तक किए जा सकेंगे। एनडीए, एनए और सीडीएस 1 की परीक्षा 13 अप्रैल 2025 को आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदन 11 से 30 दिसंबर 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। कंबाइंड मेडिकल सर्विस 2025 की परीक्षा 20 जुलाई 2025 को होगी और इसके लिए आवेदन लिंक 19 फरवरी 11 मार्च 2025 तक उपलब्ध रहेगा। सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स की परीक्षा 3 अगस्त 2025 को होगी और इसके लिए आवेदन 5 से 25 मार्च 2025 तक किए जा सकेंगे। एनडीए, एनए और सीडीएस 2 का नोटिफिकेशन 28 मई 2025 को जारी होगा और आवेदन 17 जून 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। इस परीक्षा का 14 सितंबर 2025 को होगा। नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा, 10 सालों में सिर्फ सांसदों का वेतन भत्ता बढ़ा। नीति आयोग के जुलाई में प्रकाशित वर्किंग पेपर के अनुसार 2018 से 2023 के बीच सांसदों और विधायकों के वेतन और भत्तों में सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जनप्रतिनिधियों को अब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार उच्च श्रेणी में रखा गया है, जिसमें सीनियर ऑफिसर और मैनेजर शामिल हैं। ये रिपोर्ट ये भी दर्शाती है कि देश में औपचारिक रोजगार में वृद्धि के बावजूद अन्य पेशेवर वर्गों में वेतन की वृद्धि धीमी रही है और क्लर्कों के वेतन में गिरावट आई है। दिवाली और छठ के मौके पर ट्रेनों और विमानों में बुकिंग के लिए मारामारी। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली और छठ नो रूम का बोर्ड लगा हुआ है। बता दें कि 31 अक्टूबर को दिवाली है, लेकिन मुंबई पटना मार्ग पर किराया 24 अक्टूबर से ही बढ़ा दिया गया है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त भार झेलना पड़ रहा है। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया का नाम आया सामने। ईओयू ने पेश की चार्जशीट। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड में आर्थिक अपराध इकाई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें इस घोटाले का किंग पिन संजीव मुखिया को बताया गया है। आरोप पत्र के अनुसार संजीव मुखिया ने 1 अक्टूबर 2023 को 2 पालियों में आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र को परीक्षा से 4 दिन पहले ही लीक कर दिया था। चार्जशीट में खुलासा किया गया है कि संजीव मुखिया के गिरोह ने जेनिथ लॉजिस्टिक एंड एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के मुंशी रमेश कुमार और राहुल पासवान को नौकरी और पैसे का लालच देकर मोतिहारी जा रही गाड़ी को पटना में रोककर प्रश्न पत्र भरे बक्सों और लिफाफों को खोल दिया। इसके बाद इन प्रश्न पत्रों को हल करवाकर उत्तर कुंजियां उम्मीदवारों तक पहुँचा दी गई, जो परीक्षा के दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस मामले में 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पटना नगर निगम ने 26,000 बिना रजिस्ट्रेशन वाले फ्लैट्स के मालिकों को जारी किया नोटिस। पटना नगर निगम ने शहर के सभी अपार्टमेंट्स का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, जिनमें कुल 4,000 अपार्टमेंट्स और 74,000 फ्लैट्स की पहचान की गई है। इनमें से 26,000 फ्लैट्स बिना रजिस्ट्रेशन के पाए गए हैं और इनका असेसमेंट अभी तक नहीं किया गया है। अब इन बिना रजिस्ट्रेशन वाले फ्लैट्स के मालिकों को नोटिस जारी किया जा रहा है। 31 सितंबर तक सेल्फ असेसमेंट नहीं करने पर 100% पेनाल्टी के साथ जुर्माना भी लगेगा। ये असेसमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाओं के माध्यम से किया जा सकता है। पटना नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए पोर्टल के जरिए संपत्ति कर का भुगतान घर बैठे किया जा सकता है।
बेतिया को मिला भारतीय रेल का तोहफा, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत। बिहार के बेतिया में भारतीय रेल ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल की है। बेतिया को अब भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की सौगात मिली है, जो पश्चिमी चंपारण के लोगों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगी। इस ट्रेन के माध्यम से यात्री 11 दिन के लंबे सफर पर निकलेंगे, जिसमें उन्हें ज्योतिर्लिंग शिरडी, द्वारिका और अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन होगा। इस नई ट्रेन की शुरुआत बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खाने पीने से लेकर ठहरने तक की पूरी व्यवस्था IRCTC द्वारा की गई है। ये लोकसभा क्षेत्रों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है और मुझे गर्व है कि ये सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा है। बांका में 6147 लीटर शराब जब्त, भूसे में छिपाई गई थी शराब। बिहार के बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र में पटना से आई पुलिस टीम ने एक बड़ी छापेमारी की। पुलिस ने 6147 लीटर शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा है। जानकारी के अनुसार पंजाब निवासी सिमरनजीत सिंह इस ट्रक में भारी मात्रा में शराब और भूसा लादकर मुजफ्फरपुर की ओर जा रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस बनगा